आगे बढ़ते हैं एक नई टीम पे, नए सूर्योदय की ओर, सनराइजर्स हैदराबाद की ओर। सनराइजर्स हैदराबाद एक जो एक टीम जो पहले डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, उसके बाद जब ओनरशिप चेंज हुई तो नाम भी चेंज हुआ और सनराइजर्स हैदराबाद हुई। दोनों नामों से उन्होंने एक एक खिताब जीत रखा है। सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इनके पास तो पहली रिटेंशंस के बहुत सारे नाम थे, तो पहला नाम कौन सा हो सकता है इनके पास? तो मेरे ख्याल से ये शायद ऐसी टीम है जिनके पास बहुत कंफ्यूजन होने वाला है कि भैया किसको करें किसको ना करें। और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा वो होगा पैट कमिंस को लेकर, कि पैट कमिंस को ये लोग रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, और क्या पैट कमिंस खुद आएंगे भी या आएंगे नहीं? या नहीं आएंगे, क्योंकि जिस अमाउंट पे वो गए थे उस अमाउंट से तो लेस नहीं होना चाहेंगे वो, कि वो बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे। तो ये तो देखने वाली बात होगी, कंसीडरिंग ओनली दैट यू नो पोर्शन और दैट इक्वेशन। हम लोगों ने पैट कमिंस को रिटेंशन लिस्ट में शामिल नहीं किया है ओनली फॉर दैट इक्वेशन, और यही एक इक्वेशन थी जिसको लेकर हमने मिचेल स्टार्क को भी शामिल नहीं किया था यू नो इन इन द कोलकाता टीम। तो पैट कमिंस बिल्कुल एक प्लेयर हैं जो रिटेंशन टीम रिटेंशन लिस्ट का हिस्सा होंगे, लेकिन चूंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट पे गए थे ऐसे में वो रिटेन होते नहीं होते ये तो खैर टीम मैनेजमेंट और प्लेयर के बीच की कम्युनिकेशन देखने वाली होगी। साथ ही साथ बाहर के भी कुछ बयान आ रहे थे जिसमें उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड कप एंड टेस्ट टेस्ट मैचेस आर मोर इम्पोर्टेंट टू हिम। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आपको पैट कमिंस ना दिखें इस ऑक्शन में, लेकिन ऑक्शन में दिखेंगे, रिटेंशन रिटेंशन लिस्ट में शायद ना दिखें। तो आगे बढ़ते हैं, तो पहले रिटेंशन बिल्कुल हाँ। तो देखिए जैसे पैट कमिंस तो शायद ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ना हो और सनराइजर्स में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियंस और सनराइजर्स का तो बिल्कुल एक याराना टाइप का है, और तो इसीलिए ट्रेविस हेड जो प्लेयर हैं, ट्रेविस हेड के बारे में तो क्या ही कहने, मतलब खासतौर पर इंडियन फैंस तो उनको भूल ही नहीं सकते हैं। वो ट्रेविस हेड वैसे ही हैं जैसे रिकी पॉन्टिंग एक ज़माने में थे, एक बुरे सपने के तौर पे आए थे, वैसे ही ट्रेविस हेड भी आए हैं कई ओकेजन्स पे। और इनफैक्ट इंडियन टीम क्या अब ये कह लो कि जो भी टीम ब्लू जर्सी में दिखती है उसको देखकर तो ट्रेविस हेड को पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब ये तो रिसर्च करने वाली बात है कि क्या हो जाता है। खैर जो भी होता है उनकी टीम के तो पक्ष में ही होता है, और वो अपनी टीम को ना सिर्फ जिताते हैं बल्कि सामने वाली टीम को एकदम थ्रैश कर देते हैं, एकदम बुलडोज कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो ट्रेविस हेड इज गोना बी द फर्स्ट नेम जो रिटेंशन लिस्ट में शामिल होंगे। खैर ट्रेविस हेड के बारे में ज़्यादा बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खैर क्या ही बोलें, पूरी दुनिया जानती है और इंडिया में तो सारे व्यूअर्स जानते ही हैं कि ट्रेविस हेड क्या चीज़ थे। 7 ओवर से पहले तो वो 100 के पार पहुंचा देते हैं पावर प्ले में स्कोर। तो ट्रेविस हेड के बारे में ज़्यादा बात करने लायक है नहीं, क्योंकि ट्रेविस हेड विल बी द फर्स्ट रिटेनर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी रिटेंशन जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आ सकती है, वो हो सकती है जो दूसरे नाइटमेयर बन सकते थे वर्ल्ड T20 2024 में इंडिया के ऑलमोस्ट बन गए थे। उन्होंने खड़े खड़े एक बैकफुट पे छक्का मारा था अक्षर पटेल को, वो भी कवर्स के ऊपर से, और फिर इंडिया के सारे जितने भी मुराल थे वो जमीन दोज हो गए थे। जी हाँ, तो वो रिटेंशन होगी हेनरिक क्लासन की। बिल्कुल ऑनरिक क्लासन, हेनरिक क्लासन भाई बापू के संग तो गलत किया था वैसा इन्होंने, और साउथ अफ्रीका के लोग बापू के संग गलत करें ऐसा तो होता तो नहीं है, लेकिन हो गया था। खैर भाग्य का साथ मिला बापू को कि यू नो जो उनकी एक शायद कह सकते हैं कि उनकी शायद वर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में आई, लेकिन खैर ट्रॉफी नहीं गई उनके हाथों से। तो हेनरिक क्लासन तो वो है, तो ऐसा नाम है कि मतलब एक तो विदेशी प्लेयर है तो ऊपर से स्पिन ऐसी खेलते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कोई विदेशी प्लेयर है, और स्पिनर्स के खिलाफ तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि गेंद वेंद फाड़ ना देंगे, दो टुकड़ों में ना हो जाए, वो इतनी पावर हिटिंग है उनके पास।
और तो देखिए क्लासन तो बिल्कुल शो शॉट नेम है और एक मैच विनर है, अपने दम पे पूरा मैच निकाल ले जाते हैं, 3-4 ओवर में मैच पलट देंगे वो। तो हेनरिक क्लासन तो बिल्कुल एक टॉप लेवल के प्लेयर हैं। तीसरा रिटेंशन, आगे बढ़ते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से आ रहा है, वो भी साउथ अफ्रीका के जो कप्तान, अब साउथ अफ्रीका में कंफ्यूजन ये होता है कि कप्तान है कौन, टेम्बो बवुमा है या फिर एडन माक्रम है, लेकिन एडन माक्रम विल बी द थर्ड रिटेनरशिप फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स जो फ्रेंचाइजी है वो ऐसे T20 में भी दो बार लगातार जीती, तो ऑब्वियसली बात है कि सनराइजर्स के लिए एक रिटेंशन होगी एडन माक्रम की, क्योंकि काव्य मरान बहुत पसंद करती हैं एज अ कैप्टन एडन माक्रम को। अगर पैट कमिंस एज अ कैप्टन नहीं खेल रहे होंगे तो शायद आपको एडन ये माक्रम, इनके निजी विचार हैं। तो देखिए हमको ऐसा लगता है कि मैंने एज अ कैप्टन जोड़ा था सर, ठीक ठीक चलिए मुद्दा को भटकने नहीं देते हैं, चूँकि हम लोग ऐसे बैटर्स की बात कर रहे हैं ना तो अक्सर भटकना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई इन लोगों का प्रदर्शन ऐसा है, इन लोग परफॉर्मेंस ऐसी है इन लोगों की। तो मार्करम तो देखिए एक सनराइजर्स का एक आप ये कह सकते हैं कि एक वो जो एक ग्लोबल नेटवर्क है उसका एक हिस्सा हो गए हैं, आप स्थापित कर दिया है अपने आप को। सनराइजर्स ईस्टर्न केप जो टीम है उनके लिए खेलते हुए 2 ट्रॉफीज जीत चुके हैं ऐसे 20 में, तो एक कैप्टन के तौर पे अपनी एबिलिटी भी प्रूव कर दी है कि भाई एक अच्छे लीडर हैं जो टीम को जिता सकते हैं। साउथ अफ्रीकन T20I टीम के भी कैप्टन हैं और मिडल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर हैं, बीच बीच में बॉलिंग भी करा लेते हैं, ऑफ ब्रेक बॉल डाल देते हैं। और साउथ अफ्रीका से हैं तो इस बात की तो चिंता छोड़ ही दीजिए कि वो फील्डर बेकार होंगे, तो फील्डर तो अच्छे हैं ही। तो एक पूरा ओवरऑल पैकेज लेकर आते हैं कि भैया लीडर भी ले लो हमसे, आप लीडरशिप भी ले लो, बैटिंग भी ले लो और बॉलिंग भी ले लो, अच्छी फील्डिंग भी ले लो, सब कुछ ले लो और ट्रॉफीज भी ले लो। लेकिन इस IPL में देखना होगा कि वो ये वाला जो मार्क है उसको टिक करते हैं या नहीं, तो इसलिए एडिन मार्कर हम बिल्कुल रिटेन होना चाहेंगे या इनफैक्ट सनराइजर्स करना चाहेगी। अगला नाम हम बात करें तो अगेन बैटिंग की चूँकि बात हो रही है और अटैकिंग एक्सप्लोजिव बैटर्स की बात हो रही है, तो एक ऐसे प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेटर हैं, हाल फिलहाल के दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। स्वयं युवराज सिंह द लेजेंडरी क्रिकेटर उन्होंने ही ट्रेन किया है, तो जाहिर है कि उनके जो स्टाइल है वो उनकी बैटिंग में दिखती है, उनकी बैटिंग में झलकती है अभिषेक शर्मा की। अच्छे खासे प्लेयर हैं, ओपनर हैं और अब तो इमर्जिंग टीम का भी हिस्सा हो गए हैं, तो एक ब्राइट फ्यूचर है आने वाले टाइम में, आप देख सकते हो उनको टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए खास तौर पर T20Is में। तो अभिषेक शर्मा इज गोना बी दैट नेम। ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा वुड हैव बीन द फर्स्ट रिटेंशंस एज वेल, क्योंकि अभिषेक शर्मा शागिर्द हैं युवराज सिंह के, और जहाँ तक आपको एक सोशल मीडिया पे बैंटर भी देखने को मिला था कि युवराज सिंह कहते हैं कि टेक सम सिंगल्स एज वेल, कि आप हमेशा छक्के ही ना मारते रहें, तो और ट्रेनिंग में भी देखा गया है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ छक्के मारते हैं, तो बेस्ट अगर ओपनिंग पार्टनर हो सकता है ट्रेविस हेड के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा हो सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में। तो इट्स अ श्योर शॉर्ट थिंग दैट अभिषेक शर्मा विल बी अ रिटेंशन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। अभिषेक शर्मा बिल्कुल एक श्योर शॉर्ट नाम है और शर्मा जी से बात करें, एक ऐसे प्लेयर की जो शायद थोड़ा सा शर्माते हैं लेकिन उनके जो स्टैट्स हैं वो नहीं शर्माते हैं, वो बैटर्स को शर्माने पे मजबूर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया लाइक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलिंग में अगर आप उनको शामिल करें, फिटनेस की वजह से उतना लंबा करियर नहीं हो पाया, हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की, एक बहुत बड़ा नाम चाहे वो UP क्रिकेट की बात करें और इंडियन क्रिकेट की बात करें, एक अब एक वो सीनियर लेवल के प्लेयर हो गए हैं, उनके अंडर प्लेयर्स अब शायद ट्रेन होते हैं, अपनी गाइडेंस देते हैं। तो और एक ऐसा नाम जो जिन पे आंख बंद करके कैप्टन ट्रस्ट करता है कि इनको कहीं भी बॉल दे दो, 19th ओवर शायद ना दो, थोड़ा सा
कुछ लोचा रहा है पिछले का सीजन्स में, बट खैर वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन ओवरऑल भुवनेश्वर कुमार एक की प्लेयर, एक मैच विनर, और हर टीम चाहेगी कि भूवी जैसा बॉलर उनके खेमे में हो। और बिल्कुल, कहाँ शुरुआत हुई थी, सहारापुर ने वॉरियर्स से उनकी। सहारापुर ने वॉरियर्स इंडिया एक ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो आई थी आईपीएल में। उसके बाद जब वो सनराइजर्स हैदराबाद में शिफ्ट हुए तो ही हैड बिन द ग्रेटेस्ट सर्वेंट फॉर इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि डेविड वार्नर वाज़ द बेस्ट प्लेयर दे एवर हैड और एनी अदर प्लेयर, बट भुवनेश्वर कुमार हैज़ बिन थ्रू द थिक एंड थिन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद एंड ही स्टिल देयर। तो मोस्ट प्रॉबली एक रिटेनरशिप भुवनेश्वर कुमार को मिलेगी, हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद मानी जाती है कि वो निकाल देती है अपने बूढ़े शेरों को या फिर बूढ़े हाथियों को। तो लेकिन जहां तक कि हमें याद है कि भुवनेश्वर कुमार ही हैज़ दैट नेप टुडे एज वेल, तो मोस्ट प्रॉबली द अनदर रिटेंशन जो कि होगी सनराइजर्स हैदराबाद से वो होगी भुवनेश्वर कुमार की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अनकैप्ड रिटेंशन की जो सनराइजर्स हैदराबाद से आ सकती है, वो कौन सी हो सकती है सर? जी वो हो सकती है एक ऐसे प्लेयर की जो सनराइजर्स का हिस्सा रहे हैं पिछले काफ़ी सीजन से, और सनराइजर्स मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है। हम बात कर रहे हैं अब्दुल समाद की। अब्दुल समाद को आप कह सकते हो कि इरफान पठान ही एक शायद उनकी फाइंड है वो, और वो जो एक उन्होंने जो एकेडमीज चलाई थी अपनी और अभी भी चलती है उनके और उनके ब्रदर के संग, तो उनकी वो जो लोकल टैलेंट को ढूंढ के लाते थे अब्दुल समाद उसी का हिस्सा है। और सनराइजर्स के लिए उन्होंने खेली हैं अच्छी पारियां, लेकिन आप ये कह सकते हो कि शायद उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे, और जितनी एबिलिटी उनमें है शायद उस लेवल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं है अभी तक। मतलब वो भी एक आप कह सकते हो कि हेनरिक क्लासन काइंड ऑफ अ प्लेयर हैं, खासतौर पे लोअर ऑर्डर में अगर आप देखो फिनिशर के रूप में वो एक जेन्युइन प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बन नहीं पाए हैं। हालांकि इसको देखते हुए भी सनराइजर्स ने कांस्टेंट उन पे भरोसा दिखाया है और हर सीजन में वो उस टीम का हिस्सा रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल अगले सीजन में भी, इनफैक्ट अगली ऑक्शन से पहले रिटेंशन लिस्ट में वो शामिल हो सकते हैं। और बिल्कुल जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम लिस्ट है, टीम शीट है, उसमें रिटेंशंस के लिए बहुत ज़्यादा मारधाड़ होगी, वहीं पे अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए इतनी ज़्यादा वो दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि अब्दुल समद एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि माने जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में भी, वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लिम्सेस में आपने देखा है, जब आईपीएल में आप देखते हैं तो ग्लिम्सेस में उनका परफॉर्मेंस निकल के आता है। ही कैन बी अ मैच विनर बट ही इज स्टिल एन इम्पैक्ट प्लेयर जो कि आपको गेम की टाइड चेंज करने में हेल्प करेगा। हालांकि हैदराबाद जिस दिन चल रही होगी उस दिन कोई टाइड चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन जिस दिन ना चले उस दिन हैदराबाद के लिए एक एलिक्सर के रूप में अब्दुल समद काम कर सकते हैं। तो ये था आईपीएल प्रोबेबल रिटेंशंस का पार्ट टू, जिसमें हर टीम ने 6-6 प्लेयर रिटेन किए थे। आज के दिन हमने बात की थी लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। इसमें रिटेंशंस और शायद आपको चौंका सकती हैं, आपको भौचक्का कर सकती हैं आगे आने वाली 31 तारीख तक। तो तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट टाइम्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर पैल्स, कमेंट योर व्यूज डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू क्रिकेट टाइम्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स।